गाइज, आज सुबह से सुबह आज लोग हम 4 बजे से उठे हैं, क्योंकि आज उड़ी मैं तो अभी गांव में हूँ, पता है मैं गांव में हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को पता है कि यह उड़ीसा में बहुत, मतलब इसको माना जाता है बहुत, तो ये गांव में भी होता है। गांव पे यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, रंगोली वगैरह डालते हैं। सो रंगोली वगैरह मैं दिखाऊँगा आपको बाहर जाके। तो आज ये है, तो मैं सुबह 4 बजे उठाऊँ। तो अभी पूरा मंदिर मंदिर जाके घूम के आए, सारे मंदिर में देखो टीका लग रहा है, मैं टीका लगाया हूँ यहाँ पे। देखो ये मैं गया था वो शिव मंदिर के पास और हनुमान जी के पास और बहुत सारे मंदिरों घूम के आ गया हूँ सुबह सुबह। तो आपको पूरा दिखाता हूँ रंगोली, और शाम तक का जो प्रोग्राम है पूरा मैं दिखाऊँगा आपको एक एक करके कि गाँव में कैसे मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा, कैसे मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत, मतलब पुराना है उड़ीसा का, ज़्यादा बढ़िया। वो बोट वगैरह जो नदी में ये करते हैं, इसको स्विम करवाते हैं। तो जो छोटे छोटे ये मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे है बोट मेरे पास है छोटा सा, वो मैं वो सोनू डा लेके जाएगा, अभी नदी में लेके जाएगा वो। मैं जो भी है मैं पूरा दिखाऊंगा आपको पूरा, आप देखते रहिए, मैं फिर आपको। अरे मुर्जो हिंदी रे कौन कहते रंगोली ना, हाँ राइट, बढ़िया गई जो टैलेंट बढ़ा। तो देख सकते हैं मेरी मुंडा खराब करना हो रहा। देखा हम ये देखिए आज भी देखा देखा अदर न अदर देख रे अदर ने बिठा ली मेरे इंजो जरा बोलता हाथ तो ना देख बुनो ने मिंडे ना हाथ तो ना हाथ तो ना बुनो ना बोल जा हाथ तो ना यार बुनो हो गया। अभी आया हूँ, आया था एक्चुअली। तो ये पूर्णिमा तक रुकना था हम लोग को, ये कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं उड़ीसा में। ज़्यादातर ये सब जगह में होता है, कोई कोई जगह में पूजा वगैरह होता है, लेकिन हाँ हाँ सेवड़ को नहीं दस बंदा दे दो। तो गांव में क्या होता है कि तो आप कोई कोई गाँव में पूजा होता है, मंदिर वगैरह जाते हैं, सुबह उठ के मंदिर वगैरह जाते हैं। बाली यात्रा भी शुरू होता है आज के दिन में, बाली यात्रा शुरू होता है। लेकिन इस तरह का ये जो है ना, ज़्यादातर यहाँ पे मेरे गाँव में जो यहाँ पे ये उड़ीसा का छोटा सा गांव है केंद्रापड़ा करके, तो ये गांव है छोटा सा। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग यहाँ पे, इसको बोलते हैं हरिहाट, हरिहाट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये आम ये गांव में, हमारे गांव में 7 साल से हो रहा है यहाँ पर। इसका सिस्टम क्या है ना, वहाँ पर कीर्तन वगैरह होता है, पूजा होता है, वो ब्राह्मण वगैरह वो करते हैं। ये यहाँ से सीधा होकर 32 ब्राह्मण जो है ना वो बैठते हैं, जैसे आप दिखा रहा हूँ, मैं सामने जो दिखा रहा हूँ आपको, बैठते हैं और पूजा वगैरह होता है। और सब लोग जो गांव के लोग होते हैं, वो लेडीज हो जेंट्स हो, आके वो पैसा वैसा डालते हैं, वो पूजा करते हैं और उसमें नमस्कार करके फिर जाते हैं। कि वहाँ पे एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, हरिहर बोलता है जो, तो क्या बोलते हैं उसको, वो भागवत बोलते हैं ना, भागवत बोलते हैं ना, जो वेद वगैरह जो होता है उनको पढ़ते हैं, ब्राह्मण पढ़ते हैं। वो आज रात तक उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उनको वो ख़त्म करते हैं, फिर पूजा ख़त्म होता है रात को 10-11 बजे को ख़त्म होता है। इस तरह का व्यू होता है यहाँ, आपको देख सकते हैं। Thank you.
सामने जो देख रहे हैं ना उपरा जो बैठे हुए हैं सामने जो ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं ना ये फोटो थ्रू 32 ब्राह्मण बैठते हैं 32 ब्राह्मण वो सारे लोग जो गांव के पूरे लोग आते हैं ना ज़्यादा टाइम आके पूजा करते हैं वो पैसा डालते हैं और पूजा वूजा करके आते हैं नमस्कार करते हैं। ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है कि ज़्यादातर लोग पूरा आता है मतलब अब लोग चाहोगे तो एक एक करके आगे आप जाएगा ऊपर हो गया ये हुआ है ज़्यादा टाइम में होता है राजा कहीं गए थे लाइट लाइट अंधारा राजा कहीं।